न्यूज फुट खबर भरोसे की। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने नया फरमान किया है जारी। तालिबान की सरकार का यह इस्लामी कानून पूरे अफगानिस्तान में होने जा रहा है लागू। तालिबान के इस कानून की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किया है जमकर आलोचना। नमस्कार, न्यूज़वुड की खास पेशकश में आप देख रहे हैं प्रहार और मैं हूं नई दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। अफगानिस्तान के तालिबान अफसरों ने पर्दा को लेकर नई गाइडलाइन कर दिया है जारी। दरअसल तालिबान के इस कानून का विरोध हो रहा है। तालिबान की हुकूमत के मुताबिक सफर पर अकेले जाने वाली महिलाओं को अपने करीबी मर्द रिश्तेदारों के साथ ही बाहर जाने की होगी इजाजत। इसके लिए बाकायदा गाड़ी मालिकों के लिए एक अलग से फरमान कर दिया गया है जारी। तालिबान ने सभी वाहन मालिकों से कहा है कि केवल उन्हीं महिलाओं को अपने वाहन में बैठकर यात्रा करने दें जिन्होंने इस्लामिक हिजाब पहना हो। तालिबान की गाइडलाइन ऐसे वक्त में दुनिया के सामने आई है जब कुछ हफ्ते पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के टेलीविजन चैनलों को औरतों वाले सीरियल और फिल्मों को दिखाने पर लगा दी गई थी रोक। तालिबान की सरकारी टीवी पत्रकारों को न्यूज़ पढ़ते वक्त हिजाब पहनना कर दिया गया है अनिवार्य। पब्लिक ट्रैवलिंग में सवारी करने वाली महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी होगा। गाइडलाइन में सवारी गाड़ियों में संगीत बजाने पर भी लगा दी गई है रोक। तालिबान के इस फरमान की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में जमकर हो रही है आलोचना। अगस्त में सत्ता संभालने के बाद तालिबान ने दावा किया था कि वह 90 के दशक के दकियानूसी जैसे कानून को लागू नहीं करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने और विदेशी मदद के लिए महिलाओं को उनके अधिकार देने होंगे। खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहे न्यूज़वुड, खबर भरोसे की है। अभी बहुत कुछ और आप देखते रहें न्यूज़वुड की ओर। फिलवक्त के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।